में मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू के कटलेट्स, जो कि बहुत ही आसानी से आप अपने घर में बना सकते हैं। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए होंगे आलू। आलू हमने पहले से बॉईल कर लिए हैं। आलू आप जितना आपने बनाना है उस मकदार में ले सकते हैं। सबसे पहले हम आलू को मैश करेंगे। आलू मैंने मैश कर लिए, अब हम इसमें डालेंगे रस का चूरा। मैंने 4 टेबल स्पून इसमें डाला था पहले से, और इसमें डालेंगे हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और सब्ज प्याज। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च, नमक आप इसमें हसबे जायका लेंगे, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून चाट पाउडर। इसको हम मिक्स कर लेंगे, हाथ की मदद से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। आलू को हमने अच्छे से मिक्स कर लिए, अब हम इसकी टिक्कियां बनाना स्टार्ट करेंगे। अपने हाथों को जरा सा ऑयली कर लेंगे। आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। इसको हम एक प्लेट में रख देंगे। आप इसको लंबाई में भी बना सकते हैं। आप इसको चकोर शेप भी दे सकते हैं। कटलेट्स मैंने बना लिए, अब इसको हम फ्राई करेंगे। आप इसको पैन में भी फ्राई कर सकते हैं और तवे पे भी फ्राई कर सकते हैं। अंडे से हम कटलेट्स की लेयर लगाएंगे। तवा हमने गरम कर लिया है, तवे को बहुत गरम नहीं करना है। इस पे हम ऑयल डालेंगे। कटलेट्स को हम अंडे में डिप करेंगे। हमारे कटलेट्स रेडी हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।